आज 15 अक्टूबर को बोकारो सदर अस्पताल ब्लड बैंक व रेड क्रॉस ब्लड बैंक में बोकारो रक्तवीर परिवार सह यस वी फॉर यू के संयुक्त तत्वाधान में रक्त शिविर का आयोजन किया गया, जहां काफ़ी लोगों ने रक्तदान महादान किया। संयोजक मनोज सिंह ने कहा, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मनोज सिंह। सही बता रहे, पैसा और ब्लड तो निकाल नहीं सकता है। जी भैया, बताया जाए, आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं आप लोग, किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं, क्या आप लोगों का मकसद? ये मेनली ब्लड डोनेशन कैंप का पीछे डिजाइन है कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पिछले 4 सालों से टीम और बोकारो रक्तवीर परिवार के सारे सदस्य लोग अहम भूमिका निभाते रहे हैं। बोकारो जिला प्रशासन भी इससे काफ़ी वाकिफ है। और एक्सीडेंटल जोन में क्या होता है कि फर्स्ट एड में तुरंत उसका इलाज और जो ब्लड लॉस हुआ है उस ब्लड को रिकवर के लिए प्रथम जान बचाने के लिए जरूरी होता है। और इस 4 सालों में एक्सीडेंट किए हुए व्यक्तियों को उठाकर के हॉस्पिटल तक हम लोग ले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फर्स्ट एड अच्छे तरीके से नहीं होने के कारण और ब्लड नुकसान होने के कारण जान चली जाती है। इसलिए बोकारो रक्तवीर परिवार के संयोजक के रूप में इस बार नियुक्त हुए हैं। पूर्व से भी संजय के माध्यम से काफ़ी ब्लड यस वी फॉर यू टीम को सहयोग किया गया था, इसलिए बोकारो रक्तवीर परिवार और यस वी फॉर यू टीम के तहत 100 यूनिट ब्लड आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर सारे सदस्यों के द्वारा दिया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक साल हम 300 से 400 यूनिट ब्लड संग्रह करेंगे। और ख़ास करके इस ब्लड का यूटिलाइजेशन हम सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जो डैमेज व्यक्ति जो रोड में गिरे पड़े होते हैं, जिनका कोई परिवार समय पर नहीं पहुंच पाता है, उनको हम लोग प्रोवाइड करेंगे।